ये है दोस्तों आपकी ऑल न्यू 2020 यामा रेजेडार BS6। सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन पाने के लिए लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले और सबसे तेज। आज इसकी डिटेल में इधर बात करेंगे, सारे फीचर स्पेसिफिकेशंस जो भी अवेलेबल होंगे साइड्स में शॉर्ट्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आप अगर यामा की और भी लेटेस्ट लॉन्चेस देखना चाहते हो, BS6 वेरिएंट्स देखना चाहते हो, तो यामा की प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लीजिएगा। बहुत सारे इनके लॉन्चेस आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल आप इसकी फ्रंट प्रोफाइल चेक कर रहे हैं। अगर आप इस स्कूटर को देखते हैं शायद आप इसको कंपेयर नहीं कर पाओगे किसी भी लेटेस्ट स्कूटर्स में मार्केट में। बहुत अच्छे डिज़ाइन के साथ ये स्कूटर आ रही है और उम्मीद है कि आपको भी इसका डिज़ाइन अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स में जो शायद कुछ हट के कुछ अलग सा स्कूटर लेना चाहते थे। बहुत बढ़िया ऑप्शन उनके लिए हो सकता है। आपके नियरेस्ट शोरूम में अब ये स्कूटर आ गया, तो आपको अगर ये खरीदना है तो अपने नियरेस्ट यामा शोरूम चले जाइए, वहाँ पर आपको उसकी टेस्ट ड्राइव मिल जाएगी, आप इसको परचेस कर सकते हो। चलते हैं पास में और जिसका क्लोज़ व्यू है वो पूरा आपको दे देते हैं। पूरा इसका जो क्लोज़ प्रोफाइल है वो आप इधर चेक कर सकते हो। शानदार आपको जो एडी इंसर्ट है वो आपको प्रोवाइड करा गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। इधर पूरा जो पैटर्न फिनिश है वो आप देख सकते हो। ब्लूर कोर की जो ब्रांडिंग है, जिनकी एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी है, वो आपको प्रोवाइड की गई है। अपने जो इंडिकेटर्स हैं वो आप इधर देख सकते हैं, नॉर्मल बल्ब्स आपको प्रोवाइड करे गए हैं। पूरा जो फ्लैट फील है वो आपको देखने को मिलता है इसके एप्रन में। यामा की ब्रांडिंग आपको दी गई है स्टिकर फॉर्म में। चलते हैं नीचे की तरफ और इसका जो हेडलैम्प है वो आपको दिखा देते हैं। नॉर्मल बल्ब्स आपको प्रोवाइड करे गए हैं। काफ़ी ब्रॉड सी व्यूइंग आपको इधर मिलने वाली, तो विजिबिलिटी का कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं होगा। अब इसका जो व्हील एरिया है वो आपको दिखा देते हैं। इधर आपका जो व्हील है वो देख लीजिए, नॉर्मल व्हील्स आपको प्रोवाइड करे गए हैं। आपका जो डिस्क ब्रेक है वो भी आपको अवेलेबल है। US की ब्रांडिंग देख रहे हो आप, यूनिफाइड ब्रेकिंग सिस्टम, दोनों ब्रेक्स आपके साथ में काम करेंगे। जो गवर्नमेंट नॉर्म है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। फ्रंट की काफ़ी बढ़िया से बात हो गई है। अब इसका जो साइड प्रोफाइल है वो आपको चेक करा देते हैं। साइड प्रोफाइल पूरा आपको दिखा देते हैं। वन फ्रेम व्यू देने की कोशिश मैं कर रहा हूँ इसके साइड प्रोफाइल का। चलते हैं पास में तो केवल आप जो डिज़ाइन है वो आप चेकआउट करिए। शानदार आपको डिज़ाइन देखने को मिलेगी। यामा की ब्रांडिंग आप इधर देख सकते हो, पूरा ब्लैक एंड फिनिश और जो बॉडी का एक बोल सकते हैं एडिशन है कलर का वो आपको इधर प्रोवाइड करा गया है। आपको ये कॉम्बिनेशंस कैसे लग रहे हैं ज़रूर अपने व्यूज़ बता दीजिएगा। पीछे की तरफ आ गए हैं और इसका जो कंप्लीट व्यू है वो आप ले सकते हो इसके बैक प्रोफाइल का। इधर आप देखते हैं जो सिग्नस रेजेडार की जो ब्रांडिंग है पूरी आपको ये दी गई ग्राफिक फॉर्म में। इसके बाद जो अपना रियर है वो पूरा व्यू ले सकते हो, रियर व्हील का व्यू ले सकते हो। चलते हैं पीछे की तरफ और इसका जो बैक प्रोफाइल है वो आपको चेक करा देते हैं। जैसे इसका फ्रंट बहुत ही ज़्यादा जानदार और शानदार है, वैसे आपको इसका बैक प्रोफाइल भी लगेगा। काफ़ी वेल डिज़ाइंड आपको टेल लैम्प्स देखने को मिल रहे हैं, पूरा व्यू ले सकते हो आप। अब इसका जो रियर व्हील है मैं थोड़ा इधर से चेकआउट करा देता हूँ आपको। यूरो ग्रिप के आपको टायर्स प्रोवाइड करे गए हैं। अपना जो एग्जॉस्ट है वो आप देख लीजिए, टोटल आपको डस्की फिनिश देखने को मिलेगी, बल्कि रगेड फिनिश भी प्रोवाइड करेगी इसकी प्लेटिंग में, इसकी कवरिंग में। अब दोस्तों मेरे हिसाब से साइड्स पूरे कवर हो गए हैं, फ्रंट पूरा कवर हो गया है। अब इसका जो अपर पार्ट है वो आपको दिखाएंगे। अपर पार्ट पूरा आप इधर चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे पूरा आपका जो ग्रैब हैंडल है बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड दिया गया है, पूरा आपको ये मिलता है ब्लैक एंड फिनिश पे। अब आपकी जो सीट्स हैं वो आप देख लो, बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड सीट्स अवेलेबल हैं, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सी जो सीट है वो प्रोवाइड करेगी। बाकी जो लोग चलाते जाएँ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा। ब्रॉड सीट्स वैसे जनरली अच्छी रहती हैं लॉन्ग ड्राइव की अगर आप बात करते हो, और वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको चेक कराएंगे, तो पीछे तक आ जाते हैं। इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको दिखा देते हैं। इधर अपना जो पूरा व्यू है वो ले सकते हो। मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो आपको आइडिया लग जाएगा। ये आप देख सकते हैं ऑल डिजिटल आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया। आपका फ्यूल गेज है, ट्रिप है, ओडो है, सब कुछ आपको दिया गया। नॉर्मल सिंगलिंग आपको इधर मिलती है। बहुत बढ़िया सी स्लीक सी डिज़ाइन आपको प्रोवाइड करी गई है। हैंडल्स देख लीजिए, तो आपका जो हाई बीम लो बीम है, इसके बाद आपका इंडिकेटर है, हॉर्न है, इधर आपका स्टार्ट स्टॉप सिस्टम है, और आपका जो इलेक्ट्रिक स्टार्ट है वो आपको प्रोवाइड किया गया है। इसका जो की एरिया है वो देख लेते हैं, तो सीट की तरफ कर लेते हैं और सीट ओपन कर लेते हैं, शायद ओपन हो गई है, चेक कर लेते हैं। स्पेसेस दिखा देते हैं, अभी ओपन नहीं हुई है, फिर से ट्राई करते हैं एक बार। अब चेक करते हैं, सीट ओपन हो गई है। स्पेसेस बहुत ही ज़्यादा वाइड दी गई हैं, ब्रॉड दी गई हैं, अच्छे से पूरा आपका हेलमेट भी इधर आ जाएगा। आपका फ्यूल इनटेक एरिया हो गया, जो भी स्पेक्स होंगे साइड्स में शॉर्ट्स में आपको दिख रहे होंगे। बाकी अब आपको इसको लेना है तो अपने नियरेस्ट शोरूम आप विजिट कर सकते हो यामा के। अगर आप ये स्कूटर लेने के बारे में सोच रहे थे, मैं तो आपको 100% बोलूँगा ज़रूर जाइए, एक बार ज़रूर चला के देखिए, बहुत अच्छी वाली फीलिंग आपको आएगी। अगर आप हैवी लुक के साथ एक स्कूटर सोच रहे थे लेने के लिए, बहुत ही अच्छा सा ऑप्शन है आपके लिए ये। इसके अलावा इसका एक और वेरियंट है वो भी आपको दिखा देते हैं, जो आप बोल सकते हैं ड्रम ब्रेक वेरियंट। इसमें
आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको नॉर्मल दिया गया है, तो मैंने सोचा अलग से इसका वीडियो क्या बनाना है, इसी में मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ। आपका जो स्पीडोमीटर है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, फ्यूल गेज है और आपकी जो नॉर्मल सिग्नलिंग है वो आप इधर देख सकते हो। बाकी एज इट इज़ पूरा कंसोल प्रोवाइड करा गया है। ये इसका आप कलर देखना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और जो आपके व्हील हैं वो आप देख लो, ड्रम ब्रेक आपको प्रोवाइड करेगा, UBS तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, तो मैंने वीडियो में इनकॉर्पोरेट कर दी है जिसमें कि अलग से पूरा आपको इसका अलग से रिव्यू ना देखना पड़े और जो लोग बेस मॉडल लेना चाहते हैं उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मैं दोस्तों वीडियो ख़त्म करता हूँ। अपना सपोर्ट दोस्तों बना के रखिएगा। देखते रहिए दोस्तों ज्ञानी इनफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।